हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आपके अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवाएं वाले टॉपिक। आज का ये वीडियो में जो है, जो कृषि और संबद्ध सेवाएं वाला जो टॉपिक है, इसमें आंकड़े बहुत सारे हैं। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, बहुत सारे आंकड़े लिखे हुए हैं। आंकड़ों को पढ़ते जरूर है, लेकिन आंकड़ों को समझ के पढ़ना दूसरा चीज है। ठीक, देखिए आंकड़े सब इसमें जो आंकड़े बताए गए हैं उसमें ऐसे ऐसे टर्म्स यूज किए गए हैं जो पढ़ने में एकदम सेम टू सेम लगते हैं। जब आप इस तीन चीजों को पढ़ोगे तो पढ़ने में जो इसमें टर्म यूज किए गए हैं वो सेम टू सेम लगते हैं, लेकिन आंकड़े इसमें अलग अलग होते हैं। ठीक, तो हम उन चीजों को समझते हुए पढ़ेंगे। तो ध्यान से आज की इस वीडियो को देखिएगा, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है और उससे रिलेटेड आंकड़े, दोनों चीज को समझते हुए पढ़िएगा, आपको ये भी टॉपिक एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। प्री के हिसाब से इसमें से पहले प्रश्न पूछे जाते थे, 2014-15 तक इससे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी पिछले एक दो सालों से इससे प्रश्न नहीं आता, लेकिन मेंस में अगर कृषि से संबंधित यदि कोई टॉपिक आता है, आंसर राइटिंग के लिए आता है या एसे राइटिंग के लिए आता है, तो उस कंडीशन में आपके लिए सारे आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन्स के लिए तो एकदम 100% इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए एक दो आंकड़े इससे इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। सबसे पहले नंबर पर है आपके फसल क्षेत्र। फसल क्षेत्र की जीएसडीपी में भागीदारी, यानी प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपके इस फसल क्षेत्र की भागीदारी कितनी है। फसल क्षेत्र की भागीदारी है आपका 24,18,422 लाख रुपए। 24,18,422 लाख रुपए की भागीदारी है। देखिए स्थिर कीमतों पर, मैं जो आंकड़े बता रहा हूं ये आपके स्थिर कीमतों पर है। स्थिर कीमत क्या होते हैं, प्रचलित कीमत क्या होते हैं, हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक, स्थिर कीमत पर, स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद या जीडीपी का आकार कितना है, 231,819 करोड़ रुपए। ये छत्तीसगढ़ की कुल जीडीपी का आकार है। तो इस 231,819 करोड़ रुपए में से आपका ये 24,18,422 लाख रुपए की भागीदारी आपके फसल क्षेत्र की है। ठीक, यदि हम इसमें भागीदारी प्रतिशत के आधार पर देखें तो वो आपके 231,819 करोड़ रुपए में से आपका 11.07%, यानी 11.07% भागीदारी आपके इस फसल क्षेत्र की है। यदि हम वृद्धि दर देखें, यानी पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस फसल क्षेत्र के जीएसडीपी के आकार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वो है आपका 3.87%, 3.87%। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। स्पेशली ये बड़े आंकड़े को याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये भागीदारी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत, इन दो चीजों को आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका कृषक परिवार। कृषक परिवार प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की स्थिति में प्रदेश में कृषक परिवारों की संख्या है आपका 37.46। वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की स्थिति में प्रदेश में कृषक परिवारों की संख्या है आपका 37.46 लाख परिवार। सॉरी, मैंने यहाँ लाख नहीं लिखा है। ठीक, कितना है, 37.46, यानी 37.46 लाख परिवार यहाँ पे कृषक परिवारों की संख्या है हमारे प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जैसे कि मैंने बताया, मेंस के आंसर राइटिंग में यही चीज आपको कंटेंट को बढ़ाने में काम आता है कि हमारे प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की स्थिति में कृषक परिवारों की संख्या आपका 37.46 लाख परिवार आपके कृषक परिवार मौजूद है। ठीक, उसके हिसाब से फिर आप योजनाओं, जैसे कोई कृषि संबंधित योजनाएं आती है तो योजनाओं पर भी ये डाटे को आप लिख सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका जैविक खेती योजना। जैविक खेती योजना क्या होती है, जैविक खेती योजना के अंतर्गत, ठीक, जैविक खेती योजना के अंतर्गत जो आपके रासायनिक खाद होते हैं, रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवा, इन सभी के उपयोग को कम करना, इन सभी के उपयोग को कम करना या इन सभी के उपयोग को प्रतिबंधित करके पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, यानी पूरी तरीके से आपके जैविक जैविक खेती को बढ़ावा देना। ठीक, जैविक खेती को बढ़ावा देना मतलब गोबर से बने हुए खाद, ठीक, उसके अलावा आपके जो जैविक उर्वरक हो गए, जैविक उर्वरक, जैविक खाद, ठीक, इसके माध्यम से आपके फसल को, फसल की पैदावार बढ़ाना। ठीक, देखिए
कृषक क्या करते हैं या किसान क्या करते हैं, ज़्यादा मतलब कृषि उपज की ज़्यादा बढ़ोतरी के लिए वे रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। इससे फसलों की पैदावार में तो वृद्धि होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मानव के जो स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएँ उत्पन्न होती है, कुछ बीमारियाँ होती है, क्योंकि आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं। तो इस रासायनिक जो भी आपके पदार्थ है, जैसे खाद हो गए, जैसे उर्वरक हो गए, रासायनिक उर्वरक हो गए या कीटनाशक दवा हो गए, इनके उपयोगों को पूर्णतः प्रतिबंधित करके जैविक पद्धति से जैसे आपके वर्मी कंपोस्ट हो गया, ठीक, जो केचुए के माध्यम से जो खाद बनाया जाता है, गोबर का खाद बनाया जाता है, ठीक, तो इसके माध्यम से एक फसल को बढ़ाना, ये होता है आपका जैविक खेती योजना। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की स्थिति में पांच जिलों को पूर्ण जैविक जिले के रूप में डेवलप किया जा चुका है। इसका मतलब क्या है, ये जो पांच जिले हैं, यहाँ पर जो आपके कृषि उपज की पैदावार या कृषि उपज के लिए किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, उपयोग तो किया जाता है, लेकिन ये जो आपके डॉक्यूमेंट या जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से ये पांच जिले हैं, कोई ये कमेंट मत कीजिएगा कि इस जिलों में आपके रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। जो हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स रहते हैं, जो गवर्नमेंट के जो डाटा है हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। मे बी पॉसिबल उन जिलों में अभी भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता होगा, लेकिन हमको यही पढ़ना है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में पांच जिलों को पूर्ण जैविक जिलों के रूप में डेवलप किया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से जिले हैं, इन पांच जिलों में से चार जिले आपके बस्तर संभाग के हैं, एक आपके रायपुर संभाग का है। देखिए कौन कौन से हैं, एक है आपका सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ठीक। बस्तर संभाग के आपके चार जिले, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, एक आपका रायपुर संभाग का, कौन सा, गरियाबंद। ये प्रश्न ऑलरेडी पीएससी में पूछा जा चुका है, व्यापम में भी पूछा जा चुका है। एक बार पूछा गया था कि प्रदेश में कुल कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिलों के रूप में आपका डेवलप किया जा चुका है, विकसित किया जा चुका है, तो उसमें आंसर पांच लिया था। एक बार व्यापम में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से जैविक जिलों की सूची में शामिल नहीं है, तो उसमें से ये चार ऑप्शन भी दिया था, एक गरियाबंद हटा दिया था, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा इसको। प्रदेश में पांच जिलों को पूर्ण जैविक जिलों के रूप में डेवलप किया जा चुका है, कौन कौन से है, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और गरियाबंद। नेक्स्ट है आपका आदर्श मंडी। आदर्श मंडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आदर्श मंडी मतलब एक ऐसी आपकी कृषि मंडी डेवलप करना जहाँ जो कि सर्व सुविधा युक्त हो। सर्व सुविधा युक्त मतलब वहाँ पे आपका जो फसलों को बेचने के लिए, कृषि फसलों को बेचने के लिए या आपके अन्य कृषि उपज को बेचने के लिए, वहाँ पर किसानों को एक चबूतरा, ठीक, शेड युक्त चबूतरा पर प्रोवाइड करना, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था करना, वहाँ पे आपके साफ सफाई के लिए कूड़ादान की फैसिलिटी, मतलब एक आदर्श। आदर्श का मतलब क्या होता है, एक आइडियल, एक आदर्श मंडी डेवलप करना जहाँ जो कि सर्व सुविधा युक्त मंडी हो, ठीक, अपने आप में एक आइडियल मंडी हो, ठीक। तो ये होता है आपका आदर्श मंडी। तो ये सर्व सुविधा युक्त जो मंडी है, जो आदर्श मंडी है, हमारे प्रदेश में पांच मंडियों को आदर्श मंडियों के रूप में ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है। कौन कौन से है, देखिए, एक है आपका धमतरी, कवर्धा, कुरुद, मुंगेली और राजनांदगांव। कौन कौन सा है, धमतरी, कवर्धा, कुरुद, मुंगेली और राजनांदगांव। आदर्श मंडियों की संख्या कितनी है, प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रदेश में कुल पांच मंडियां आदर्श मंडियों के रूप में विकसित की जा चुकी है, कौन कौन सी है, धमतरी, कवर्धा, कुरुद, मुंगेली और राजनांदगांव। नेक्स्ट है किसान उपभोक्ता बाजार का क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि किसानों को अपनी कृषि उपज का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया आपका किसान उपभोक्ता बाजार। यहाँ पर क्या है, किसान डायरेक्ट अपने कृषि उपजों को या अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट उपभोक्ताओं तक पहुँचा सकते हैं। तो एक ऐसा मार्केट डेवलप किया जा रहा है जिस मार्केट के माध्यम से किसान बिना किसी बिचौलियों के मतलब मीडिएटर के अपने उपज को डायरेक्ट उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं, ताकि उन्हें अपनी उपज का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।
ठीक, कृषि उपज को डायरेक्ट उपभोक्ताओं को बेचना। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निर्मित प्रदेश में जो आपके ये किसान उपभोक्ता बाजार है, जो पूर्ण रूप से निर्मित हो चुके हैं, जो बनकर तैयार हो चुके हैं, वो है आपका रायपुर और एक है बेमेतरा। रायपुर पंडरी, शायद मैंने कुछ समय पहले करंट अफेयर में भी इसे शेयर किया था, रायपुर के पंडरी में किसान उपभोक्ता बाजार डेवलप किया जा चुका है, निर्माण हो चुका है। ठीक, उसके अलावा बेमेतरा में, ये आपका रायपुर और बेमेतरा जहां पे पूर्ण रूप से इसका निर्माण हो चुका है, पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है। दूसरा है अधिसूचित या प्रस्तावित बिलासपुर। देखिए अधिसूचित या प्रस्तावित, यहाँ पे अभी मतलब यहाँ पे किसान उपभोक्ता बाजार खोले जाने की यहाँ पे अभी मतलब प्रस्ताव रखा गया है। ठीक, ये भी बनने को ये अभी तैयार होने को बाकी है। देखिए ये जो निर्माण है रायपुर और बेमेतरा में ऑलरेडी ये निर्माण हो चुका है, बाकी इन जगहों में प्रस्तावित है, अधिसूचित या प्रस्तावित है। देखिए एक है आपका बिलासपुर, दूसरा है आपका चिखली और बरमकेला। चिखली और बरमकेला ये मौजूद है आपके रायगढ़ जिले में, और एक है आपका बसंतपुर जो कि मौजूद है आपके राजनांदगांव जिले में। ठीक, बसंतपुर जो कि मौजूद है आपके राजनांदगांव जिले में, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। ठीक, कौन कौन से जगह है जहाँ पे प्रस्तावित है अभी किसान उपभोक्ता बाजार, एक है बिलासपुर जिले में, चिखली और बरमकेला जो मौजूद है जो प्रस्तावित है आपके रायगढ़ जिले में, एक है आपका बसंतपुर जो प्रस्तावित है आपके राजनांदगांव जिले में, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किसान शॉपिंग मॉल। किसान शॉपिंग मॉल प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल कहाँ खोला गया है, तो ये है आपके राजनांदगांव जिले में। किसान शॉपिंग मॉल क्या होता है, किसान के उपयोग में लाए जाने वाले सारे प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे उन्हें प्राप्त हो सके। जैसे कि शॉपिंग मॉल होता है, जो आप कोई भी मॉल देखे होंगे उस मॉल के अंदर सभी सामग्री होती है, खाने पीने की भी सामग्री होती है, वहां पे मनोरंजन की भी सामग्री होती है, वहां पे कपड़ों की दुकान, मतलब एक कंप्लीट पैकेज होता है एक मॉल में। वैसे ही किसानों का शॉपिंग मॉल लाया गया है जहां पे किसानों के लिए वहां पे एक उच्च क्वालिटी के जो आपके बीज रहते हैं वो मौजूद होंगे, कृषि उपकरण होंगे, ट्रैक्टर्स जो आपके फाइनेंस होते हैं, बड़े बड़े आपके कृषि इक्विपमेंट्स, वो सारी चीजें वहां मौजूद होगी। यानी किसानों को एक ही छत के नीचे उसके उपयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे मिल सके, इसके लिए डेवलप किया गया है आपका किसान शॉपिंग मॉल। तो प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल मौजूद है, ये है आपके राजनांदगांव जिले में। नेक्स्ट है आपका किसान बाजार। किसान बाजार, ये जो किसान बाजार का कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत। बस इतना याद रखिएगा कि प्रदेश का पहला किसान बाजार खोला गया है आपके धमतरी में। अलग अलग क्या क्या चीज़ क्या पूछ रहा है, सभी मिलते जुलते चीज़ें हैं, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। किसान उपभोक्ता बाजार पूर्ण रूप से निर्मित है रायपुर और बेमेतरा में, प्रस्तावित जगहों की सूची में आपका बिलासपुर, चिखली, बरमकेला और बसंतपुर है। ये था किसान उपभोक्ता बाजार। नेक्स्ट है किसान शॉपिंग मॉल जो मौजूद है राजनांदगांव में। नेक्स्ट है किसान बाजार जो कि मौजूद है आपका धमतरी में। चीजें पढ़ने में सेम लगती है लेकिन अच्छे से समझिएगा पूछ क्या रहा है प्रश्न में। शॉपिंग मॉल पूछ रहा है, किसान बाजार पूछ रहा है, किसान उपभोक्ता बाजार पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन उसमें सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका ई नाम या फिर राष्ट्रीय कृषि बाजार। देखिए ई नाम, इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है, इसमें पूछा गया था कि ई नाम किस क्षेत्र से संबंधित है, ये छोटा सा टर्म दे दिया गया था व्यापम में कि ई नाम किस क्षेत्र से संबंधित है, संचार क्षेत्र से संबंधित है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन में ये प्रश्न आया था। तो ई नाम जो इसमें ए है, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र से संबंधित है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये है ई नाम। ठीक, यहाँ पे ई टर्म का यूज किया गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स आपका इंटरनेट। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार है। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार मतलब देखिए जो मैंने आपको बताया यहाँ पे किसान बाजार का कॉन्सेप्ट दोनों को समझते चलिएगा। ये जो आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार है, राष्ट्रीय कृषि बाजार का कॉन्सेप्ट और ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो किसान बाजार है दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम टू सेम है। देखिए राष्ट्रीय कृषि बाजार क्यों लाया गया, राष्ट्रीय कृषि बाजार आपके अखिल भारतीय स्तर पर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार डेवलप करना, अखिल भारतीय स्तर पर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार डेवलप करना, विकसित करना। ठीक, देखिए क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है समझिएगा, किसान अपने कृषि उपजों को
किसान अपने कृषि उपजों को डायरेक्ट बड़े बड़े व्यापारियों को बेच सके। देखिए हमने क्या पढ़ा, किसान उपभोक्ता बाजार, जिसमें किसान अपनी उपजों को चिल्लर, जैसे क्या होता है एक थोक होता है खुदरा होता है, या थोक बोलिए चिल्लर में, तो इसमें क्या है छोटे पैमाने में बेचते हैं किसान उपभोक्ता बाजार में। लेकिन ये जो किसान बाजार है या आपका राष्ट्रीय किसान बाजार है, इसमें बड़े बड़े व्यापारियों को थोक में अपने कृषि उपजों को बेचा जाता है। तो ये जो आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार या आपका ये किसान बाजार कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें किसान अपने कृषि उपजों को डायरेक्ट बड़े बड़े व्यापारियों को बेच सके, जिसमें उनके बीच में आने वाले बिचौलियों यानी मीडिएटर जो कमीशन खा जाते हैं व्यापारियों तक उनके कृषि उपज को बेचने में, जो उसमें बिचौलिए रहते हैं, बिचौलिए बोलिए मीडिएटर बोलिए, वो कुछ ना कुछ कमीशन खाते हैं, जिसके कारण किसानों को अपनी कृषि उपज का सही जो रेट है नहीं मिल पाता। इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया है आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसके अंतर्गत किसान अपने कृषि उपजों को डायरेक्ट बड़े बड़े व्यापारियों को बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, बिचौलियों का हस्तक्षेप इसमें कम होगा। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लाया गया है, एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित यह बाजार है। मतलब देखिए क्या होता है कि जो एक कृषि उपज मंडी होती है, कृषि उपज मंडी में केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश के या जहाँ पे कृषि उपज मंडी मौजूद है, मान लीजिए धमतरी में कृषि उपज मंडी मौजूद है, तो धमतरी के ही आपके बड़े बड़े व्यापारी जाकर के उस कृषि उपज को खरीद सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको किसानों को उनकी उपज का सही जो रेट है, सही मूल्य है, वो नहीं मिल पाता। तो ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है, यह इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार है, जिसमें क्या किया गया है, अखिल भारतीय स्तर पर पूरे के पूरे भारत के 585 कृषि उपज मंडियों को आपस में जोड़ा गया है, भारत के 585 कृषि उपज मंडियों को आपस में जोड़ा गया है। तो अब क्या होता है कि किसी एक कृषि उपज मंडी में, यानी मान लीजिए अगर छत्तीसगढ़ में कोई किसान अपने कृषि उपज को बेचना चाहता है, तो वो अपने फसलों की जो कीमत है या कृषि उपज की जो कीमत है, वो इसे ई नाम पोर्टल पे उसे अपलोड कर देगा। तो उसके कीमत के आधार पर, जो कीमत वो किसान चाहता है, तो हो सकता है कि उस कीमत के आधार पर उसका जो व्यापारी है, छत्तीसगढ़ का भी हो सकता है, महाराष्ट्र का भी हो सकता है, मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, उड़ीसा का भी हो सकता है, आंध्र प्रदेश का भी हो सकता है, यानी जहां पर उसको जो कीमत किसान चाहता है, वो छत्तीसगढ़ में भले उसके व्यापारी मौजूद ना हो, लेकिन ये क्या है, राष्ट्रीय कृषि बाजार, मतलब इसे इंटरनेट के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर के 585 कृषि उपज मंडियों को जोड़ा गया है। यानी भारत का कोई भी व्यापारी आकर के उसे उचित कीमत दे करके उस कृषि उपज को खरीद सकता है, ठीक। यहां पर क्या हो रहा है, व्यापारियों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, व्यापारी जिन्हें सही कीमत पर कृषि उपज मिलेगी, साथ ही साथ किसान जिसे उसे कृषि उपज का सही मूल्य मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके राष्ट्रीय कृषि बाजार का, सेम कॉन्सेप्ट है हमारे किसान बाजार का भी, ठीक। देखिए भारत में आपके 585 कृषि उपज मंडियों को जोड़ा गया है, हमारे प्रदेश में ये जो आपका 585 कृषि उपज मंडी है, इन 585 कृषि उपज मंडियों में से हमारे प्रदेश के 14 कृषि उपज मंडियों को इस ई नाम पोर्टल से या राष्ट्रीय कृषि बाजार के कॉन्सेप्ट से जोड़ा गया है। देखिए 14 कृषि उपज मंडी, इंपॉर्टेंट है, आंकड़े पूछ सकता है, कौन कौन से है, इसका जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में जोड़ा गया था राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, नवापारा, भाटापारा। इसका जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण में जोड़ा गया था रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर और जगदलपुर। तीसरे चरण में इसमें जोड़ा गया था आपका राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़, ठीक। नाम याद करना चाहे याद कर सकते हैं, थोड़े आंकड़े ज्यादा है लेकिन चीजों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है 14 कृषि उपज मंडी आपके ई नाम पोर्टल से हमारे प्रदेश में जुड़े हुए हैं। प्रथम चरण में राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, नवापारा, भाटापारा। द्वितीय चरण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर। तृतीय चरण में राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। ये तो था आपके थ्योरी वाला पोर्शन, अब हम आते हैं थोड़े आंकड़ों पर। देखिए फसल ये जो आंकड़े दिए गए हैं, ये आपके वित्तीय वर्ष 2017-18 के, ये तो आपके 18-19 के थे, लेकिन ये जो फसल के आंकड़े हैं ये आपके 17-18 के, आर्थिक सर्वेक्षण में 17-18 तक के आंकड़े ही दिए गए हैं, समझिएगा। ये जो आपका प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में, कितना है 135,194 वर्ग किलोमीटर, ठीक, 135,194 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये किसमें, वर्ग किलोमीटर में। लेकिन आप सभी को मालूम था कि ये जो आपके कृषि क्षेत्र में जो भूमि का आकलन वो हेक्टेयर में किया जाता है, तो हेक्टेयर में भी याद रखिएगा, हेक्टेयर में हमारे छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, हमारे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है,
137.90 लाख हेक्टेयर, ठीक 137.90 लाख हेक्टेयर यानी 137.9 लाख हेक्टेयर मौजूद है या छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए कई बार क्या होता है, ऑप्शन घुमाने के लिए भी ये प्रश्न पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल जिसमें ऑप्शन में वर्ग किलोमीटर में दे देगा, जिसमें से सही आंसर होगा उसका 135.94 वर्ग किलोमीटर। यदि उसको आपको प्रश्न को घुमाना हुआ तो आपका छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल ये लाख हेक्टेयर में पूछ सकता है। तो लाख हेक्टेयर को याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट है आपका बोया गया क्षेत्रफल। बोया गया क्षेत्रफल अब इसे समझिएगा, बोया गया क्षेत्रफल यहाँ पे दो टर्म यूज होते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और कुल बोया गया क्षेत्रफल। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और कुल बोया गया क्षेत्रफल। अब ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और कुल बोया गया क्षेत्रफल क्या होता है इसे समझिएगा। इसी चीज की बात कर रहा था मैं कि इन चीजों को पढ़ने में चीजें सेम लगती है लेकिन आंकड़े इसमें डिफरेंट रहते हैं। देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, एक फसल वर्ष में किसान अपने कृषि भूमि पर केवल एक ही प्रकार के फसलों को बोता है और उसे सिंचित करता है। एक फसल वर्ष में एक किसान अपने कृषि भूमि पर एक ही प्रकार के फसलों को बोता है और उसे सिंचित करता है तो वो कहलाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। नेक्स्ट कुल बोया गया क्षेत्रफल, यदि एक किसान एक फसल वर्ष में एक से अधिक प्रकार के या दो तीन या मतलब एक से अधिक प्रकार के फसलों को बोता और सिंचित करता है तो वो कहलाता है उसको कुल बोया गया क्षेत्रफल। समझिएगा, मान लीजिए एक किसान, एक फसल वर्ष की बात कर रहे हैं या एक वर्ष में समझ लीजिए, एक वर्ष में एक किसान अपनी कृषि भूमि पर एक बार के लिए उसने आपका चावल बो दिया पूरे साल भर में वो केवल डिपेंडेंट किसके ऊपर, चावल के फसलों को बढ़ा रहा है, उसे सिंचाई कर रहा है, उसे काटा, उसे बेच दिया। अब सीधा वो अगले साल बोएगा फिर से चावल, यानी उसने एक फसल वर्ष में उसने एक ही प्रकार के फसल यानी चावल की ही उसने बुआई की। ठीक, अब आते हैं दूसरे किसान पर, जो एक फसल वर्ष में सबसे पहले उसने क्या किया, चावल की बुआई करी, उसे बढ़ाया, उसे सिंचित किया, उसे काट करके मार्केट में बेच दिया। उसके बाद कुछ समय बाद उसी कृषि भूमि पर उसने चना का फसल लगा दिया। कृषि भूमि खाली पड़ी थी, चना का फसल लगा दिया, फिर से उसे सिंचाई किया, बड़ा किया, बेच दिया। मतलब पहले वाले किसान ने जिसने पूरे के पूरे वित्तीय वर्ष में केवल एक चावल के फसल को ही बोया, दूसरे किसान ने पूरे के पूरे एक वित्तीय वर्ष में दो फसलों को बोया, तो ये कहलाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और कुल बोया गया क्षेत्रफल। ठीक, देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल देखिए कृषि भूमि उतनी ही है। जैसे मान लीजिए एक किसान के पास एक एकड़ की भूमि है, एक एकड़ की भूमि में उसने पूरा का पूरा चावल बो दिया, तो उस किसान का जो बोया गया क्षेत्रफल कितना होगा, एक एकड़ होगा। एक फसल वर्ष में उसने पूरे के पूरे एक साल भरे में एक ही फसल के ऊपर वो डिपेंडेंट रहा, कौन सा था, वो चावल। यानी उस किसान का बोया गया क्षेत्रफल कितना है, केवल एक एकड़, क्योंकि उसने एक एकड़ में चावल बोया। अब जो दूसरा किसान है उसने पहले चावल बोया फिर उसके बाद उसने चना बोया। देखिए किसान के पास भूमि भले एक एकड़ की है लेकिन पहले एक एकड़ में उसने बोया है आपका चावल, दूसरे बार में चावल को काटा बेच दिया, फिर उसके बाद फिर चना की फसल उसने लगाई और फिर चना को काटा और बेच दिया। यानी उस एक एकड़ की भूमि यहां दो बार काउंट होगी। क्यों? क्योंकि पहले एक एकड़ में उसने चावल की फसल करी फिर उसी भूमि के एक एकड़ में उसने चना की फसल करी, यानी वो कितना काउंट होगा, दो एकड़ भूमि काउंट होगी वो किसान के लिए। तो वही होता है आपका शुद्ध बोया गया और कुल बोया गया क्षेत्रफल। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है हमारे प्रदेश में 46.5 लाख हेक्टेयर, 46.5 लाख हेक्टेयर हमारे प्रदेश में आपकी शुद्ध बोई गई आपकी क्षेत्रफल है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 55.4 लाख हेक्टेयर, 55.4 लाख हेक्टेयर। देखिए लगभग 9 लाख हेक्टेयर अधिक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वही है। कृषि भूमि उतनी ही है या कृषि उपज भूमि उतनी ही है लेकिन एक फसल वर्ष में यदि एक से अधिक प्रकार के यदि फसलों को
बोता है तो वो काउंट हो जाते हैं आपके कुल बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत। यदि एक ही बार बो रहा है तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, एक से अधिक बार बो रहा है तो वो कुल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत काउंट होता है। यदि हम बात करें कि एक फसल वर्ष में यदि कोई किसान एक ही फसलों को बोता है तो वो है आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, उसके आंकड़े है आपके 46.5 लाख हेक्टेयर, 46 लाख हेक्टेयर। यदि कुल बोया गया क्षेत्रफल एक फसल वर्ष में एक से अधिक फसलों को बोता है तो उस कंडीशन में वो काउंट होता है। कुल बोया गया क्षेत्रफल प्रदेश में है आपका 55.4 लाख हेक्टेयर, ठीक 55.4 लाख हेक्टेयर आपका कुल बोया गया क्षेत्रफल है, ठीक। यानी देखिए कितना है, ये 46 है, ये 54 है, लगभग 9 लाख हेक्टेयर अधिक है। यानी उस 9 लाख हेक्टेयर की भूमि पर एक से अधिक प्रकार के फसलों की बुआई की जाती है, ठीक। देखिए अब अगर आपसे प्रश्न पूछा गया, शुद्ध पूछा गया या कुल बोया पूछा गया, कुछ भी पूछे, या शुद्ध पूछे या कुल पूछे या डायरेक्ट पूछेगा कि बोया गया क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा क्षेत्रफल में सर्वाधिक आपका क्षेत्रफल कवर होता है, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत सर्वाधिक बुआई किस जिले में होती है, या कुल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक बुआई किस जिले में होती है, ऐसे टाइप का यदि प्रश्न आता है, शुद्ध पूछे कुल पूछे या डायरेक्ट पूछे कि बोया गया क्षेत्रफल के आधार पर कौन से जिले में सर्वाधिक बुआई होती है, तो वो मैक्सिमम है आपका राजनांदगांव, मिनिमम है नारायणपुर। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, सबसे प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, राजनांदगांव, तो जाहिर सी बात है उसके पास काफी बड़ी मात्रा में कृषि भूमि भी उसके पास मौजूद होगी, तो मैक्सिमम कहां है, राजनांदगांव, नारायणपुर। नारायणपुर एक तो आपका वैसे ही जंगल वाला एरिया है, साथ ही साथ एरिया वाइज भी काफी छोटा है, इस कारण से यहां पर मिनिमम बुआई होगी। शुद्ध बोया गया क्षेत्र और कुल बोया गया क्षेत्र के फल के आधार पर सर्वाधिक है राजनांदगांव, सबसे कम है नारायणपुर। नेक्स्ट, प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में, प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में, समझिएगा जो हमारे प्रमुख फसल है, प्रमुख खाद्यान्न फसल, उन प्रमुख खाद्यान्न फसलों में हमारे छत्तीसगढ़ में किस फसल की बुआई या किस फसल को सर्वाधिक मात्रा पे उसका बुआई किया गया, ठीक, किस उपज को या किस कृषि उपज को या किस कृषि उपज के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र रहा वित्तीय वर्ष 2017-18 में, मतलब किस कृषि उपज का रकबा मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस कृषि उपज को बोया गया, ठीक, समझिएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया गया है हमारे प्रदेश में धान को सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया गया है। धान के बाद है चना के बाद है लाख के बाद है मक्का के बाद है गेहूं। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोए जाने वाले जो प्रमुख फसल है वो है आपका धान, लगभग आपका 3976 हजार हेक्टेयर, 3976 हजार हेक्टेयर में, ये आंकड़े याद नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन ये सिक्वेंस याद रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में बोया गया है धान के बाद है चना के बाद है लाख या तिवड़ा, उसके बाद है मक्का, उसके बाद है गेहूं, ठीक। ये आंकड़े याद कर सकते हैं, लिखा हुआ है, याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ये वाले आंकड़े याद रखिएगा, सबसे सर्वाधिक मात्रा में धान चना लाख मक्का गेहूं, आंकड़े किसमें है, 1000 हेक्टेयर में। नेक्स्ट, प्रमुख फसलों के उत्पादन के अंतर्गत आपका, देखिए प्रमुख फसलों का उत्पादन मतलब वित्तीय वर्ष 2017-18 में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ, यहां पे क्षेत्रफल में बुआई सर्वाधिक मात्रा में के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की बुआई की गई। अब यहां क्या पूछ रहा है, किस फसल की पैदावार सर्वाधिक हुई, यहां बुआई था यहां पैदावार है, तो देखिए धान का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक मात्रा में रहा, उसके बाद चना, उसके बाद मक्का, देखिए शुरू के दो सेम है उसके बाद चेंज हो जा रहा है, मक्का गेहूं लाख या तिवड़ा, ठीक सिक्वेंस याद रखिएगा, धान चना मक्का गेहूं लाख या तिवड़ा, ठीक। यहां पे भी आंकड़े मैंने लिख के रखे हैं, आंकड़े याद कर सकते हो, याद कर लीजिएगा, 1000 मैट्रिक टन में आंकड़े दिए गए हैं। अब समझिएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बुआई और उत्पादन के आधार पर, ये जो दोनों आंकड़े जो मैंने बताए, अंतर्गत क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पर, दोनों में से यदि आपसे प्रश्न पूछता है, प्रश्न कैसे पूछेगा समझिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस अनाज को बोया गया या किस खाद्यान्न फसल को बोया गया, तो याद रखिएगा धान की पैदावार सर्वाधिक मात्रा में हुई, उत्पादन भी सर्वाधिक मात्रा में हुई, देख रहे हो यहां पर अंतर्गत क्षेत्रफल में उसकी बुआई भी सर्वाधिक मात्रा में हो रहा है, उत्पादन भी सर्वाधिक मात्रा में हो रहा है, लेकिन प्रश्न में यदि पूछा जाता है कि अनाज पूछा जा रहा है तो अनाज के अंतर्गत धान का पैदावार या क्षेत्रफल में सर्वाधिक इसकी बुआई भी हुई तथा इसका उत्पादन भी हुआ, ठीक।
नेक्स्ट, सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पर दलहन फसल। ये देखिए, अंतर्गत क्षेत्रफल और उत्पादन, मैं दोनों दोनों लेते हुए चल रहा हूँ, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। दलहन के अंतर्गत है चना। यदि प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में किस दलहन फसल की, यहाँ क्या पूछ रहा है, दलहन फसल, दलहन के अंतर्गत आपका चना आता है, ठीक है। देखिए, चना, चना का जो पैदावार है, आप देखेंगे तो धान के बाद सबसे ज्यादा, धान के बाद सबसे ज्यादा जो आपका फसल लिया जाता है क्षेत्रफल के अंतर्गत, वो है चना। और हमारे प्रदेश में जो धान के बाद सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है आपके चने का। दोनों में दलहन फसल के अंतर्गत आपका चना है, ठीक। नेक्स्ट है आपका तिलहन। तिलहन के अंतर्गत मौजूद है आपका सोयाबीन। तिलहन के अंतर्गत आपका तिल आता है, सोयाबीन आता है, मूंगफली आता है, ये सभी के सभी आपके तिलहन वाले फसलें हैं। तो याद रखिएगा, तिलहन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक क्षेत्र में आपके बुआई या फिर उत्पादन के आधार पर तिलहन फसल है आपका सोयाबीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। देखिए, एक प्रश्न आपको और घुमा सकता है, उसको बता देता हूँ, उसको समझिएगा। ये तो था आपका डायरेक्ट प्रश्न। एक प्रश्न यदि आपसे उसको घुमाना हुआ तो किस प्रकार से पूछ सकता है कि बुआई के समय के आधार पर, बुआई के समय के आधार पर, यानी हमारे प्रदेश में दो प्रकार से फसलों को लिया जाता है, एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल, ठीक। देखिए, यदि खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ के फसलों में सर्वाधिक रकबा, सर्वाधिक रकबा मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की बुआई की गई पूछा गया। तो याद रखिएगा कि खरीफ फसलों में, यहां मैं क्या बात कर रहा हूं, खरीफ फसलों में, खरीफ फसलों में आपका आता है धान। तो धान का रकबा भी सर्वाधिक रहा, जैसे कि आप देख रहे हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लिया गया है और सर्वाधिक उत्पादन भी उसका है। तो सर्वाधिक रकबा भी आपका धान का है, सर्वाधिक उत्पादन भी आपका धान है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि बुआई के समय के आधार पर, बुआई के समय के आधार पर किस रबी फसल, क्या रबी फसल का उत्पादन सर्वाधिक रहा। तो याद रखिएगा, चना का उत्पादन सर्वाधिक रहा, चना आपके रबी की फसल है, धान आपकी खरीफ की फसल है, चना आपके रबी की फसल है। उत्पादन के आधार पर खरीफ के फसलों में उत्पादन के आधार पर धान सर्वाधिक है, रबी के फसलों में उत्पादन के आधार पर, उत्पादन या पैदावार के आधार पर चना सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देखिए जगह कम है करके इन चीजों को लिख नहीं रहा हूं मैं, स्क्रीन पर नीचे आपके ये सारे आंकड़े शो हो जाएंगे, ठीक। देखिए, नेक्स्ट है उद्यानिकी फसलें। उद्यानिकी फसलें मतलब जो छोटे पैमाने पर जो फसलें आपके उद्यानकों में या छोटे स्तर पर जो बगानों में जिन चीजों की पैदावार होती है। देखिए, उद्यानिकी के आधार पर रकबा और उत्पादन, रकबा मतलब क्षेत्रफल पर उनकी बुआई की गई, उत्पादन मतलब उनकी पैदावार, सर्वाधिक मात्रा में पैदावार, ठीक, उनका जो उत्पादन किया गया, समझिएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उद्यानिकी के अंतर्गत एक आपके बगान में हम सब्जी भी उगा सकते हैं, सब्जी होते हैं, मसाले होते हैं, आपके औषधि वाले पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, तो ये सारे के सारे आपके ये उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न सीजीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया है, उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक रकबा किस फसल का रहा या किस उद्यान की फसल का रकबा सर्वाधिक रहा, वो कौन सा है, सब्जी। सब्जी का रकबा यानी सर्वाधिक उद्यान की क्षेत्रफल के अंतर्गत सर्वाधिक रकबा या सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो बोया गया था वो था आपका सब्जी, ठीक। उत्पादन के आधार पर भी पूछे तो उत्पादन के आधार पर भी सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन हुआ आपके सब्जी का ही, ठीक। दोनों अलग अलग प्रश्न है, रकबा के आधार पर भी है सब्जी, उत्पादन के आधार पर भी है सब्जी। एक सीक्वेंस बता रहा हूं, उस सीक्वेंस को याद रखिएगा। देखिए, उद्यान की फसलों का रकबा के आधार पर क्रम, यानी सर्वाधिक से न्यूनतम, सर्वाधिक मात्रा में बोया गया है आपका सब्जी, सब्जी के बाद है आपके फल, फल के बाद है मसाला, उसके बाद है पुष्प, फिर आते हैं औषधि और सुगंधित फसल, ठीक। अब आता है उद्यान की फसलों का उत्पादन के आधार पर क्रम, पहले क्या है रकबा यानी क्षेत्रफल के आधार पर, अब उनकी पैदावार या उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर भी ये पहले नंबर पर है सब्जी, उसके बाद उत्पादित होता है आपका फल, फिर मसाला, फिर औषधि और सुगंधित फसल, और फिर लास्ट में होता है पुष्प। लास्ट के दो सीक्वेंस चेंज हुए हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट है, इस आंकड़े को याद रखिएगा, ठीक। देखिए, अब नेक्स्ट है आपका जल संसाधन व सिंचाई। जल संसाधन व सिंचाई, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर हमारे जो प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है लाख हेक्टेयर में, वो है आपके 137.90 लाख हेक्टेयर, ठीक। ये है भौगोलिक क्षेत्रफल। आप समझिएगा, कुल सृजित सिंचाई क्षमता, प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता मतलब जिसे हमने खुद डेवलप किया है, सिंचाई के संसाधनों के रूप में जिसे हमने डेवलप किया है, जैसे सृजित सिंचाई क्षमता, सृजित सिंचाई क्षमता को समझिएगा,
हमने जो सिंचाई करने के लिए डैम बनाया है, एनीगढ़ बनाया है, नहरें बनाए हैं, तो ये क्या है, हमारे खुद के द्वारा सृजित है, हमने इन चीज़ों को खुद बनाया है। प्राकृतिक तौर पर देखा जाए तो सिंचाई किससे होती है, ये सिंचाई होती है आपके वर्षा के द्वारा, बारिश के द्वारा किसान सिंचाई पर अभी भी डिपेंड करते हैं। लेकिन जो हमने बनाया है, हमने क्या बनाया है, हमने डैम बनाया है, हमने कैनाल बनाया है, हमने आपके नहरें निकालवाई है, नलकूप बनवाया है, ये कहलाती है आपकी सृजित सिंचाई क्षमता, जिन सिंचाई संसाधनों को हमने खुद बनाया है। तो याद रखिएगा कि हमारे प्रदेश में आपके मार्च 2018 तक की स्थिति में कुल सृजित सिंचाई क्षमता है हमारी 20.88 लाख हेक्टेयर हमारी सृजित सिंचाई क्षमता है। मतलब हमारे पास इतने सिंचाई संसाधन मौजूद है, कि हम 20.88 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर सकते हैं अपने इस सिंचाई संसाधनों के माध्यम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, वर्तमान में या मार्च 2018 तक की स्थिति में सिंचाई प्रतिशत, प्रदेश में सिंचाई प्रतिशत कितना है, देखिए 137.90 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसमें से 20.88 लाख हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित कर सकते हैं, इतने संसाधन मौजूद है हमारे पास। ठीक, अब समझिएगा मार्च 2018 तक की स्थिति में सिंचाई प्रतिशत कितना है, तो हमारे जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हम 36.45% भूमि सिंचित कर, मतलब सिंचाई क्षमता है हमारी, परसेंटेज आधार पर हमारी सिंचाई क्षमता या सिंचाई प्रतिशत कितना है, 36.45%। अब ये मत बोलना कि ये 20.88 137 का 36% है, ऐसा नहीं, मैंने इसमें क्या बताया, सिंचाई क्षमता, ये क्या है, इसमें मेन टर्म है आपकी सृजित, मेन टर्म क्या है, सृजित, जिसे हमने खुद बनाया है, वो कितना है 20.88। कई लोग के दिमाग में आएगा कि 20.88 137 का 36% नहीं है, ठीक, ये भ्रम में मत रहिएगा, मैंने क्या बताया, ये ऐसे सिंचाई संसाधन है जिसे हमने खुद बनाया है, आंकड़े यहां पे ज्यादा है, यहां पे 36.45% है, इसका मतलब ये सृजित सिंचाई क्षमता प्लस जो बारिश या वर्षा के माध्यम से जो हम सिंचाई, जो किसान सिंचाई करते हैं, दोनों काउंट हो रहे हैं, सृजित सिंचाई क्षमता प्लस वर्षा के माध्यम से सिंचाई, ये तो हमारे ये सृजित सिंचाई क्षमता के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, आपके जलाशय आएंगे, नहरें आएंगे, डैम आएंगे, ये सब आपके सृजित है, लेकिन सृजित के साथ साथ और भी चीजें हैं, अन्य संसाधनों में क्या आएगा, अन्य संसाधनों में आता है आपका जैसे वर्षा का पानी, मेन आपकी सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, सिंचाई का सबसे बड़ा संसाधन है, तो ये आपका 36.45% वर्तमान में सिंचाई का प्रतिशत है, या मार्च 2018 तक की स्थिति में सिंचाई का प्रतिशत है, ये आंकड़े याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए आंकड़े काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझिएगा, एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को पाउज करके फिर से थोड़ा सा उसे रिपीट करके देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी, फिर भी समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, बता दूंगा। देखिए निर्मित सिंचाई योजनाएं, निर्मित सिंचाई योजनाएं, जैसे कि हम बता रहे हैं सिंचाई हमारे पास सृजित सिंचाई क्षमता है 20.88 लाख हेक्टेयर, तो हमारे पास कितने संसाधन मौजूद है, सिंचाई के कितने ऐसे संसाधन मौजूद है। देखिए ये प्रश्न वैसे पूछा जाना नहीं था, लेकिन व्यापम में ये प्रश्न पूछा गया, काफी घटिया प्रश्न है लेकिन फिर भी व्यापम ने पूछा, समझिएगा, आठ वृहद 37 मध्यम 2468 या 2468 लघु और 685 एनीकट हमारे सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत निर्मित है, बन के रेडी हो चुके हैं, निर्माणाधीन के भी आंकड़े दिए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, लेकिन निर्माणाधीन के आंकड़े आपको नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, इसको याद रखिएगा। आपके व्यापम में ये यहाँ तक का आंकड़ा पूछा था, यहाँ तक का, एनीकट को छोड़ दिया गया था, तो निर्मित सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत हमारे प्रदेश में 8 वृहद 37 मध्यम 2468 लघु तथा 685 एनीकट आपके मौजूद है, इतनी परियोजनाएं मौजूद है। ठीक, देखिए अब सिंचाई साधनों से सिंचित क्षेत्र, मतलब सिंचाई साधनों के अंतर्गत क्या क्या आता है, नहरें आते हैं, जलाशय आते हैं, ठीक, कुएं आते हैं, नलकूप आते हैं, तो ये सभी के सभी आपके क्या बोलते हैं सिंचाई साधन मौजूद है। ठीक, अब समझिएगा
सिंचाई, शुद्ध सिंचित क्षेत्र और कुल सिंचित क्षेत्र। जैसे कि मैंने आपको यहां बताया शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र, फिर से नहीं बताता। शुद्ध सिंचित क्षेत्र मतलब एक बार में एक एकड़ की भूमि को एक फसल के लिए, मान लीजिए धान के फसल के लिए एक किसान एक एकड़ की भूमि को सिंचित किया, तो कितना, एक एकड़ की भूमि सिंचित हो रही है तो कितना काउंट होगा, एक एकड़। अब पहले बार में धान की फसल को उसने सिंचाई किया, फिर धान की फसल को काट करके बेच करके फिर चना का फसल लिया, फिर उसे सिंचाई किया, यानी एक किसान ने एक फसल वर्ष में अपनी कृषि भूमि को दो बार सिंचित किया, मतलब दो एकड़ भूमि उसने सिंचित की। तो वही है शुद्ध सिंचित क्षेत्र और कुल सिंचित क्षेत्र। समझिएगा, वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत हमारे प्रदेश में आपका 15 लाख हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, सिंचाई साधनों के माध्यम से। सिंचाई साधन के अंतर्गत क्या क्या, नहरें, जलाशय, नलकूप, कुएं, तालाब, ठीक। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, 15 लाख हेक्टेयर। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, 18.5 लाख हेक्टेयर, मतलब कितना ज्यादा है, लगभग 3.5 लाख ज्यादा है। तो इस साढ़े तीन लाख भूमि पर दो से तीन बार चार बार यानी एक से अधिक बार आपके उस क्षेत्रफल को सिंचित किया गया, ठीक। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, शुद्ध सिंचित क्षेत्र 15 लाख हेक्टेयर, कुल सिंचित क्षेत्र 18.5 लाख हेक्टेयर। ये आंकड़े अगर किस्मत खराब हुई तब जाकर के पूछा जाता है प्री के एग्जाम में, लेकिन मेंस के एग्जाम में ये आंकड़े आपको आंसर राइटिंग में काफी काम आते हैं। ये आंकड़े देख करके जो आपका जो आंसर है, ये आंकड़े आपके आंसर को काफी अच्छा हाईलाइट करेंगे जब आप आंकड़े यूज करते हैं इन चीजों आपके एग्जाम के आंसर राइटिंग में, ठीक। तो ये आंकड़े मेंस के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए जब छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें कभी ये नहीं पूछा जाता कि आप वित्तीय वर्ष 2017-18 का बताइए, 18-19 का बताइए, 19-20 का बताइए। उसमें केवल आपसे एक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस वित्तीय वर्ष के आंकड़े शो कर रहे हैं। वो आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आपको करेंट के डाटा देने हैं, आपको बस डाटा देने हैं, ठीक। तो आप ऐसे ये आंकड़ों को अभी से याद करते हुए चलेंगे तो आपको मेंस का आंसर राइटिंग में काम आएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपयुक्त साधन। जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग सिंचाई संसाधन मौजूद है, कौन कौन से, नहरें हैं, जलाशय हैं, नलकूप है, तालाब है, कुएं हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आपका सिंचाई साधन उपयोग में लाया जाता है, तो वो है आपके नहरें, सर्वाधिक मात्रा में नहरें। देखिए ऑप्शन में यदि नहरें आया है तो नहरें को लगाना है, नहरें नहीं दिया है तो सेकंड ऑप्शन में लगाना जलाशय। अगर ऑप्शन में नहरें ऑप्शन में नहीं है तो आप सेकंड लेंगे जलाशय। यदि दोनों एक साथ दिया है नहरें एवं जलाशय, ऑप्शन में दिया हुआ है नहरें एवं जलाशय, कुएं, तालाब, नलकूप, तो सर्वाधिक मात्रा में आपको नहरें एवं जलाशय लगाना है, ठीक। देखिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन के मामले में आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, मैक्सिमम टू मिनिमम। देखिए उपयोग किए जाने वाले सिंचाई संसाधन के आधार पर सर्वाधिक सिंचाई की जाती है आपके नहरें एवं जलाशय से, उसके बाद नलकूप से, उसके बाद तालाबों से, उसके बाद कुएं से। मैक्सिमम किससे है, नहरें एवं जलाशय हैं, सेकंड नंबर पर नलकूप, थर्ड नंबर पर तालाब, फोर्थ नंबर पर यानी सबसे कम किया जाता है सिंचाई कुओं के माध्यम से। नेक्स्ट है जिलेवार सिंचित क्षेत्र। देखिए सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक सिंचाई, मैक्सिमम सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, जांजगीर चांपा। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, जांजगीर चांपा जिसके सेंटर से होते हुए एक तो कई नदियां बहती है और महानदी भी इससे सीमा बनाते हुए बहती है। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा मैदानी एरिया है तो यहाँ पे आराम से नहरें निकाली जा सकती है नदियों से और आराम से कृषि भूमि को की सिंचाई की जा सकती है। तो सर्वाधिक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलिएगा, बहुत बड़ा मैदानी एरिया है जांजगीर चांपा, नदी जो आपकी महानदी जो इससे सीमा बनाते हुए बहती है, समतल मैदानी एरिया होने के कारण यहां से नहरें निकालना आसान है, करके जांजगीर चांपा जो है आपके फसलों की पैदावार में भी इसमें ज्यादा होता है और साथ ही साथ यहां पर जो आपका जांजगीर चांपा है ये सर्वाधिक मात्रा में ये सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत भी आता है, ठीक। तो सर्वाधिक सिंचित जिला है आपका जांजगीर चांपा, मिनिमम नारायणपुर, जैसे कि मैंने बताया नारायणपुर जो कि एक तो आपके वन क्षेत्र ज्यादा है और एरिया वाइज काफी छोटा है, तो दोनों कॉन्सेप्ट के कारण सबसे कम सिंचित क्षेत्र है आपका नारायणपुर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर कई आपके परियोजनाओं को या कई आपके सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत कई योजनाओं को शामिल किया गया है। तो हमारे जो प्रदेश है, हमारे प्रदेश के अंतर्गत ये जो आपके 8 वृहद परियोजनाएं हैं उसमें से तीन योजनाओं को आपके प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, केलो नदी परियोजना, खारंग परियोजना और मनियारी परियोजना। केलो नदी परियोजना, खारंग परियोजना और मनियारी परियोजना, इसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
नेक्स्ट पशुधन, पशुधन के जीडीपी के आंकड़े मैं आपको बता नहीं रहा हूं, इसमें बस आपको थ्योरी चीज थ्योरी पोर्शन को याद करते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपके बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र दो जगह पर मौजूद है। बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ये है आपके सरोरा रायपुर में और दूसरा है रामपुर ठाठापुर कवर्धा में। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में भी हमने इसे पढ़ा था, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़िएगा, प्रश्न पूछा गया है। बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र किस स्थान पर मौजूद है, तो एक है आपका सरोरा रायपुर, दूसरा है रामपुर या ठाठापुर, यह है आपका कबीरधाम या कवर्धा। नेक्स्ट है सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र, सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र यह मौजूद है, एक मौजूद है आपके सकोला सरगुजा में, दूसरा है परचनपाल बस्तर में और तीसरा प्रस्तावित है नया, पिछले वित्तीय वर्ष तक केवल दो था, कौन कौन सा, सकोला सरगुजा, दूसरा परचनपाल बस्तर, इस बार एक नया प्रस्तावित किया गया है जहां पे सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र डेवलप किया जा रहा है, वो है आपके कुनकुरी जशपुर में, कुनकुरी जशपुर में नया सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन के अंतर्गत देखिए एक आंकड़ा याद रखिएगा, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया नहीं है, मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो अखिल भारतीय स्तर पर छठवें नंबर पर है, यानी हमारा छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन के मामले में छठवां बड़ा राज्य है। ठीक, देखिए अब आता है उपलब्ध जल क्षेत्र, जैसे कि हमने देखा भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 137.9 लाख हेक्टेयर, ये तो टोटल भूभाग मौजूद है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का, तो इस 137.9 लाख हेक्टेयर में से आपके 1.82 लाख हेक्टेयर पर 1.820 लाख हेक्टेयर पर आपकी उपलब्ध जल क्षेत्र है। उपलब्ध जल क्षेत्र मतलब जलाशय मौजूद है, तालाब मौजूद है, नदियां मौजूद है, ये कहलाता है उपलब्ध जल क्षेत्र। तो 1.820 लाख हेक्टेयर पर आपका क्या है, उपलब्ध जल क्षेत्र यानी जल क्षेत्र मौजूद है। तो इस 1.820 लाख हेक्टेयर में से 1.714 इस 1.820 लाख हेक्टेयर में से 1.714 लाख हेक्टेयर जो आपके जल क्षेत्र है उसका उपयोग किया जाता है मछली पालन के लिए। कुल जल क्षेत्र कितना है 1.820 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 1.714 लाख हेक्टेयर पर आपका मछली पालन किया जाता है। यदि हम परसेंटेज वाइज बात करें तो उपलब्ध जल क्षेत्र में से 94.2% जल क्षेत्र में आपके मछली का पालन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सारे आंकड़े याद रखिएगा। देखिए जगह कंजेस्टेड होने के कारण मैं सारे चीज़ों को बोर्ड पर लिख नहीं सकता, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे मैं बोल करके बताता हूँ, जैसे आपका किसान उपभोक्ता बाजार हो गया, आपका जैविक खेती योजना हो गई, तो इन चीज़ों को मैं बोल के बताता हूँ, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है उन चीज़ों को लिख लिया कीजिए, कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि कई बार आपके इंटरव्यू में कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न पूछ लेता है, किसान उपभोक्ता बाजार क्या है या राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है या आपका जैविक खेती योजना क्या है, तो इन चीज़ों को थोड़ा याद, वहाँ पे ये आंकड़े काम नहीं आएंगे। ये जो आपके आंकड़े हैं जैसे 5 पूर्ण जैविक जिला, ये आपके केवल प्री एग्जाम तक काम आएंगे, 5 आदर्श मंडी, कृषि उपभोक्ता बाजार, आपका किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में, लेकिन कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ करके आता है मेंस में और इंटरव्यू में। ठीक, तो सारे चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, सारे चीज़ों को पढ़ते हुए चलिएगा, सभी की सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।